दोस्तों, आप सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कार्टून तो जरूर देखा होगा और छोटे बच्चे कार्टून देखने के बहुत शौकीन भी होते हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है उस कार्टून में जो एनवायरनमेंट दिखाया जाता है या फिर जो सिटीज दिखाई जाती है और वहां पर जो घर मौजूद होते हैं, क्या वो सच में किसी रियल सिटी को देखकर बनाए जाते हैं? तो जी हाँ, कुछ कार्टून्स ऐसे होते हैं जो कि रियल में किसी सिटीज को या फिर किसी घर को देखकर उसे ड्रॉ करके फिर उसे एनिमेशन के सूरत में हमें कार्टून्स में दिखाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें उन कार्टून में दिखाए गए घर के जैसा बनाने की कोशिश की गई है। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहना। और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 1, द स्पंजबॉब हाउस। तो कार्टून से इंस्पायर होकर किसी घर को बनाने में सबसे पहला नाम आता है द पाइनएप्पल हाउस का, और इसे ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है, लेकिन किसी पानी में नहीं बल्कि जमीन पर। और आपको बता दूं कि इस घर की ऊंचाई 33 फीट है और इसे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। और दोस्तों, ऐसे पाइनएप्पल हाउसेस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई कंट्रीज में मौजूद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे घर हमारे इंडिया में भी बनने चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 2, द सिम्पसन्स हाउस। चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे कार्टून की जो अपने कार्टून के लिए कम और भविष्य निर्माण के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। लेकिन इन कार्टून्स को भी क्या पता था कि 1997 में फॉक्स कंपनी जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इनके घर पर काफी नजर रखे हुए थी और इस कार्टून हाउस की तरह एक रियल हाउस को कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रही थी। लेकिन ये हाउस रहने के लिए नहीं था बल्कि इवेंट के लिए बनाया गया था जिसका नाम था द सिम्पसन्स हाउस गिव अवे। और ये कंपनी किसी भी लकी विनर को ये हाउस गिफ्ट करने वाली थी। और इस इवेंट के खत्म होने के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन आपको बता दो कि जिस रिटायर फैक्ट्री वर्कर ने इस हाउस को जीता था, उसने इसके बदले $75,000 लेना सही समझा और उसने उस स्पेशल से हाउस को नहीं लिया बल्कि उसकी जगह $75,000 ले लिया, क्योंकि उसे इस कार्टून के बारे में नहीं पता था। और शायद उस विनर को ये नहीं पता था कि इस हाउस की रियल प्राइस $1,22,000 है। अगर वो उस कार्टून को देखा होता तो शायद वो इसकी रियल प्राइस को जान पाता। नंबर 3, द मिकी माउस हाउस। दोस्तों, इस मिकी माउस हाउस को अमेरिका में मौजूद डिज्नीलैंड में बनाया गया है जो कि देखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है ये कार्टून हाउसेस कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने का भी काम करते हैं? जी हाँ, चलिए मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ। दोस्तों, 2018 में डिज्नीलैंड महज एक दिन में $1 मिलियन कमा रहा था। पता है किसके बल पे? इन्हीं कार्टून्स के बल पे। तो दोस्तों, जरा आप सोचो, अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इन चीजों पे काम करे तो क्या हमारे देश की इकोनॉमी नहीं बदल सकती? चलिए अब आपको उस मिकी माउस हाउस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस हाउस को बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है जैसे कि उस कार्टून मिकी माउस में है, और जो इस घर में चीजें भी है बिल्कुल उसी से इंस्पायर होके बनाई गई है, बिल्कुल उसी कार्टून की तरह। नंबर 4, द अप हाउस। दोस्तों, आपने अप मूवी तो देखी ही होगी जिसमें कार्ल अपनी वाइफ के लिए एक घर बनाता है और उसे एक हॉट एयर बलून में बदल देता है। और इस कार्टून की सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि 2009 में रिलीज होने के ठीक 3 साल बाद इस हाउस की तरह एक हाउस को रियलिटी में बनाया गया था और इसे कंस्ट्रक्ट किया है द मैंगेस्टर्स बिल्डर ने। इस घर को तैयार होने के बाद इसे कई लोगों ने देखना पसंद किया और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते थे। लेकिन फाइनली 2012 में इसे एक प्राइवेट बायर ने खरीद लिया। नंबर 5, द डोरेमोन हाउस। दोस्तों, ये एक ऐसा फेमस कार्टून है जिसे कौन नहीं जानता। इस कार्टून को इंडिया में भी काफी पसंद किया गया है और अभी भी करते हैं। और कई बच्चे इस कार्टून को देखकर इतना इमोशनल हो जाते थे कि उन्हें लगता था कि काश इस तरह का घर हमें सच में देखने के लिए मिल जाए या फिर हम खुद ही उस एनिमेटेड वर्ल्ड में चले जाए। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके रियल हाउस के बारे में। तो देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसे जापान के ही टिपिकल हाउस की तरह बनाया गया है। दोस्तों, इस हाउस को अंदर से भी ऐसा ही बनाया गया है जैसे कि उस कार्टून में देखने को मिलता है। वैसे तो एक म्यूजियम में इस हाउस का एक मिनिएचर भी बनाया गया है जो आकार में छोटा है, और एक डिजिटल टैबलेट की मदद से आप उस घर के अंदर भी देख सकते हो डोरेमोन और नोबिता को। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे घर जिन्हें कार्टून से इंस्पायर होकर बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।